हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइकिंग ट्री। तो आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जो काली लिनक्स अवेलेबल मिल रही है हमको, वो हम यूज़ करके देखने वाले हैं, एज वेल एज हम उबंटू भी यूज़ करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको काली लिनक्स डाउनलोड कैसे करनी है, तो सिंपली आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेना है विंडोज़ का। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली काली लिनक्स सर्च करना है, तो आपको उसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है काली लिनक्स, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। बट बिफोर ओपनिंग दिस काली लिनक्स आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं वो सेटिंग क्या करनी पड़ेगी आपको। तो सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे विंडोज़ फीचर्स यहाँ पे आपको लिखना है। देन उसके बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको हाइपर वी को इनेबल कर देना है। थोड़ा नीचे आके वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म को भी आपको इनेबल कर देना है। देन उसके बाद आपको विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ये भी आपको ऑप्शन टिक कर देना है। देन उसके बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करने के बाद आपका सिस्टम अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। देन रिस्टार्ट करने के बाद आपको काली लिनक्स यहाँ से ओपन कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ काली लिनक्स, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है मेरा काली लिनक्स। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद ये हमको यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं मेरा यूज़र नेम दे देता हूँ। देन उसके बाद मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, नया पासवर्ड आपको सेट करना है वो आप दे सकते हो। ओके, तो सिंपली हमारा काली लिनक्स सेटअप हो गया। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। और तो सिंपली मैं यहाँ पे ls करके देखता हूँ, और फिलहाल तो इस फाइल में कुछ नहीं है, तो मैं pwd कमांड यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो हम /home/kuldeep नाम के फोल्डर में अभी, तो सिंपली मैं यहाँ पे cd/ कर देता हूँ और यहाँ पे ls करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। ओके, तो हम सुडो से कमांड भी यूज़ कर सकते हैं इस मशीन। तो आपको रूट यूज़र का एक्सेस यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा। देन उसके बाद आप apt-get अपडेट और अपग्रेड भी कर सकते हो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो हमारे सिस्टम में यहाँ पे अपडेट और अपग्रेड हो रहा है। देन उसके बाद आप में कोई टूल या फिर स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो, सेम एज इट इज़ हम काली लिनक्स में जो करते हैं वो यहाँ पे होने वाला है आपका ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारा काली लिनक्स सिस्टम अपडेट और अपग्रेड हो गया है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स मिल जाएगी काली लिनक्स, प्रीडिफाइंड इंस्टॉल रहती है यहाँ पे। तो हम ट्राई करते हैं एक कमांड यूज़ करने का, गिट। तो गिट कमांड यहाँ पे फाउंड नहीं हो रही, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बोलिए आपकी ये कमांड इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी गिट कमांड इंस्टॉल हो गई है। पहले हम गिट कमांड करके देखते हैं। ओके, तो गिट कमांड कैसे यूज़ करनी है ये भी हमको आ रहा है यहाँ पे लिख। तो ये जो काली लिनक्स है ये एज सिमिलर टू टर्मेक्स है, तो इसमें कुछ प्रीडिफाइंड टूल्स इंस्टॉल नहीं होंगे, वो हमको खुद से इंस्टॉल करने पड़ेंगे यूजिंग apt-get, और आपको डाउनलोड करके भी इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं कुछ टूल। तो इसको रन करते समय हमें कुछ एरर आ सकती है, वो एरर देख लेते हैं हम क्या क्या हो सकती है। तो जैसे कि आपको अगर ये एरर आती है, सिंपली आपको पावर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे पावर सेल, और आपको ये जो कमांड है एज इट इज़ आपको पेस्ट कर देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एंटर दे देना है। ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली अगर आपको ये लिख के आता है, तो आपकी जो ये एरर है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये जो कमांड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एज वेल एज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।